साथियों, राष्ट्र की रक्षा, संस्कृति की रक्षा, देश के लोगों की आशा आकांक्षाओं की रक्षा सिर्फ नेक इरादों वाली मजबूत सरकार ही कर सकती है। सोचिए भाइयों बहनों, ये महामिलावट करने वाले अपने वायदों में भी ये घोटाला करने के ऐसे एक्सपर्ट है कि अपने वायदों में भी घोटाला करते हैं, उसमें भी हाथ सफाई दिखाई जाते हैं। साथियों, 2004 में एक कांग्रेस के पार्टी ने ये हर बार नया नया ढकोसला पत्र निकालते हैं ना, मैनिफेस्टो निकालते हैं। मैं जरा 2004 का खोल करके दिखाता हूं। 2004 में एक कांग्रेस ने देश को वादा किया था कि वो 2009 तक, 2009 तक, ये 19 चल रहा है, याद रहेगा आपको, याद रहेगा, 2004 में कहा था और ये कहा था 2009 तक देश के हर घर में बिजली पहुंचा देंगे। क्या ये वादा पूरा हुआ था? ये वादा पूरा हुआ था? कांग्रेस और उसके साथियों ने आपको धोखा दिया कि नहीं दिया? धोखा दिया कि नहीं दिया? 2014 में आपने कांग्रेस की इस नीयत को पहचाना और इस चौकीदार को जिम्मेदारी सौंपी। लाल किले से मैंने ऐलान किया था कि 1000 दिन में 18000 गांव जहां बिजली नहीं पहुंची है, हम उसको बिजली से जोड़ देंगे। 1000 दिन होने से पहले मैंने वादा पूरा कर दिया, इस देश के हर गांव में बिजली पहुंच। गांवों में बिजली पहुंचने के बाद हमने वादा किया कि सौभाग्य योजना के तहत देश के हर परिवार तक बिजली पहुंचाने का काम हम पूरा करेंगे। काम तेजी से चल रहा है और मैं नीतीश जी, सुशील जी को बधाई देता हूं। बिहार में उन्होंने लालटेन को सदा सदा के लिए विदाई कर दिया और हर घर में बिजली पहुंचा दी। आप हैरान हो जाएंगे, आज जैसे बिहार में काम हुआ है, गवर्नर रूल आने के बाद पहाड़ों में, बर्फीली चोटियों पर जम्मू कश्मीर के हर घर में बिजली पहुंच गई। भाइयों बहनों, गरीब के घर बिजली पहुंचाने का काम कांग्रेस की सरकार भी करती थी, ये लालटेन वाले भी कर सकते थे, लेकिन अब अपने अपने कुनबा का भला करना यही उनका काम था। कोई फार्म हाउस बना रहा था, कोई शॉपिंग मॉल बनवा रहा था, कोई शोरूम लूट रहा था, तो कोई कोयले में लूट मचा रहा था, कोई रेलवे टेंडर में कमीशन खा रहा था, तो कोई हेलीकॉप्टर सौदे में दलाली खा रहा था। सब अपनी जिंदगी में रोशन करने में इतने व्यस्त थे कि उनके पास गरीब के घर बिजली पहुंचाने की फुर्सत नहीं थी। यही इन मिलावटी करने वालों की सच्चाई है।